इस वक्त हम इस शहर के सॉरी हम इस वक्त इस देश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं. सो फनी आई एम द बिगेस्ट लैंड ओनर इन टाउन. इन फैक्ट आई एम लुकिंग एट एक्सपेंडिंग माई बिजनेस. सो मैं रीडेवलपमेंट लैंड्स देख रही हूँ एंड ऑल्सो इनटू आर्किटेक्चर. लेट्स सी हाउ इट गोज. इन फैक्ट एक बहुत बड़ा लैंड है वो खरीदने का सोच रही हूँ. मे बी क्या एक्सपेंशन आर्किटेक्चर ग्रोथ. वाओ. लेकिन इससे पहले म्यूजिक प्लीज. पार्टी में डांस तो कर ही सकती है. अब ये मत कहिएगा डांस नहीं करती या फिर मुझे डांस आता नहीं. कम ऑन. बहुत लालची हमारे लिए तो अच्छा ही है. मार्क कुछ ज्यादा ही ईमानदार है. लेट्स सील द डील मैन. डोंट वरी आई विल किल इट. आप हे जूस फॉर यू एंड वाइन For the lady. Thank you. आप लैंड के बारे में बात कर रहे थे, right? हाँ, about that. उस लैंड की वैल्यूएशन क्या होगी? 250 करोड़. हाँ, and it's not in the city. City से थोड़ा बाहर है, some island. मनोरी? Mud Island. Yeah, Mud Island. I'm so sorry. मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, so I don't know much about this area. It's a beautiful property, a temple property. It's gorgeous. लोग कहते हैं वो रहस्यमय मंदिर. जी एंड इट्स माय फादर्स प्रॉपर्टी. मैं सोच रही हूँ उसे रीडेवलप करूँ. क्यों ना हम पार्टनरशिप में काम करें. ओह एज पार्टनर्स आई एम सॉरी लेकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं. आई हैव एनफ मनी. एंड मैं क्यों अपने प्रॉफिट्स शेयर करना चाहूँगी. एनीवे नाइस मीटिंग यू गाइस. और एक टिप दूँ, बिजनेस के साथ साथ डांस लेसन्स भी ले लो. लेट्स गो. क्या है यार ये लड़की. सच में यार हम इसकी लैंड खरीदना चाहते हैं पर वो बेचना नहीं चाहती और ऊपर से एटीट्यूड देखा. डांस सीख लो. अरे तो क्या हुआ मेरे भाई. एक काम करते हैं पार्टनर बन जाते. प्रॉफिट्स कम ही सही. प्रॉफिट्स कहीं और एडजस्ट कर लेंगे. हाँ ये हो सकता है. श्रावणी वेश दोनों आ रहे हैं पीछे पीछे. श्रावणी उस डील के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना लैंड प्रोजेक्ट. तो क्यों ना हम उसमें पार्टनर बन जाते हैं और कम प्रॉफिट में. हाँ आपका फायदा ही फायदा है क्योंकि वैसे भी आप यहाँ रहती है नहीं न्यूयॉर्क रहती है और हम यही के लोकल. साउंड्स नाइस तुम लोग यहाँ के हो लेकिन मैं बिना प्रॉपर्टी दिखाए डील नहीं करती. तो कोई बात नहीं डेट फिक्स कर लेते. आई मीन एक दिन फिक्स कर लेते फिर चलते हैं. एक्चुअली आज टेम्पल के बाहर मैंने पार्टी रखी है. यू गाइस कैन जॉइन. पार्टी भी हो जाएगी और तुम लोग जगह भी देख लोगे. पार्टी वो ये तो काफी पुराना लगता है. और हम कैसे जौरी इस हीरे को परख सकते हैं. ब्यूटीफुल.
gorgeous. सुनिए नहीं है। ये तुम लोग के कपड़े और ये तुम लोग की आंखें और ये स्किन, ये क्या हो रहा है? कौन है तुम लोग? बेवकूफो, ना तो ये कोई बिजनेस वूमन है और ना ही मैं इसकी असिस्टेंट। हमने ये जाल बिछाया था तुम्हें अपनी चाल में फंसाने के लिए, ताकि हम तुम्हें इस रहस्यमय मंदिर के अंदर लेके आ सके। और अब अगर तुम दोनों एक बहुत बुरी मौत नहीं मरना चाहते तो चुपचाप मुझे बता दो कि तुम दोनों ने महानागरानी को क्यों मारा, क्यों दी उन्हें धोखे की मौत, बताओ। हाँ, हमने किसी को नहीं मारा। हम किसी महानागरानी को जानते ही नहीं है। अरे कौन हो तुम लोग, क्या हो? प्लीज, हमने हमने किसी को नहीं मारा है। बचाओ, अरे बचाओ, कोई है, कोई, प्लीज बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। हम ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसे डर जाएंगे। यही सोचा था ना तुम दोनों ने? यू नागिन है बिना आईज, व्हाई यू गेट सो हॉट। वो तुम्हारी ब्यूटी की वजह से तुम्हें मारने का मन भी नहीं करता। दामाद जी, फोकस फोकस, इनकी खूबसूरती जानलेवा है। आई नो ससुर जी क्या करे, लेकिन कंट्रोल भी नहीं होता। बट रिलैक्स रिलैक्स रॉकी, वो तो एक्चुअली ना यहाँ पर लाना था, वरना मैं तो। क्या बकवास कर रहे हो? शट अप। बकवास हम नहीं, तुम कर रहे हो। क्या लगा तुम दोनों को कि हम यहाँ अनजाने में आए? हम इस रहस्यमय मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे ही तुमने कहा ना मुंबई के बाहर, कौन सा आइलैंड? मड आइलैंड, तभी हम समझ गए थे कि तुम लोग हमें यहाँ धोखे से लाकर हमारी मौत की तैयारी कर रहे हो। और अब रहा सवाल कि हमने तुम्हारी महानागरानी को क्यों मारा? क्यों मारा हमने शिवांगी को? वो सवाल का जवाब हम तुम्हें नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि तुम दोनों बेवकूफ हो, पागल हो। कि तुम्हें यह लगता है कि तुम हमें यहाँ लाई हो? नो, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें मारने के लिए। लेकिन इनका काम तमाम करने से पहले एक बार पीछे मुड़के तो देखिए। तुम्हें हमारा काम करना ही होगा। और अब इस नागबाड़ी को तुम लोगों को रामबुक करना ही होगा। बाकी की बारात भी बुला लेते हैं। क्यों मैम? घबराओ नहीं बहू रानियों, तुम दोनों की सांसें इस सास के आशीर्वाद के बिना टूटेंगी नहीं। और हाँ, बाहर जाने के बारे में तो सोचना ही मत, क्योंकि यहाँ से बाहर जिंदा तो तुम दोनों जाओगी नहीं, और ना ही बाहर से कोई जिंदा आएगा तुम लोगों को बचाने के लिए। That's absolutely fine actually, क्योंकि अगर तुम लोगों ने एक चाल हमसे आगे की चल ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जंग जीत ली। ना घमंड करने की जरूरत नहीं। अरे घमंड तो होगा ही ना बहू रानी, वो क्या है, हम तुम्हारी सोच से आगे निकल आए और तुम हमसे पीछे रह गए। अरे मैं नहीं हम कहा, इसका मतलब ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ, तो बाकी साथियों को भी बुला लूँ ना। तामसी, विश्वास किया, तुम्हें भी शर्म नहीं आती ना? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। Oh, come on, that's enough. इतना मेलो ड्रामा। Oh, baby. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस फालतू की बकवास से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, और तुम किस खुशी में मुस्कुरा रही हो? क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए या तुम अपनी मर्जी से आ गए। बात तो ये है कि तुम सब एक साथ
एक छत के नीचे, इसलिए तुम में से किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा मुझे। एक साथ सबका हिसाब होगा। ओ नागिन, कहीं तू अपनी केंचुली तो नहीं बदल रही है? तभी तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपने दुश्मनों से घिर चुकी हो, इसका मतलब मैंने पूरी चाल ही नहीं पूरी बाजी जीती। श्रावणी, अब खेल पलट चुका है। खेल पलटा है, खेल खत्म नहीं हुआ है। ओके, दैट्स इट, इनफ। एग्जैक्टली, दैट्स इनफ। और तुम दोनों चुपचाप बताओ क्यों मारा महानाग रानी को? पहले तुम चुपचाप ये बताओ कि नागमणि जागृत करोगी या नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जवाब दो, क्यों मारा हमारी महानाग रानी को? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? जवाब दो वरना। बता रहे हम बता रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। We won't tell. रोहिणी, तुम्हारा गाना गाना अगर खत्म हो गया हो तो हम वो काम करें जो यहाँ करने के लिए आए। इस माहिर को सबसे पहले बांध देते। ले जाओ इसे और टंगा दो वहां पर। चलो ले जाओ। अरे घसीटते हुए ले जाओ इसे। अभी भी वक्त है श्रावणी, सिद्ध छोड़ दो अपनी। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्यों मारा महानाग रानी को? क्यों दी उन्हें धोखे की मौत? बताओ। You know what, Shab? तुम हमेशा से ही बहुत बोरिंग हो, बिल्कुल बेला की तरह। You know, तुम्हारी जरूरत मुझे इस सब के लिए नहीं है। एक और प्लान बी है मेरे पास, लेकिन वो प्लान बी काम में लेने से पहले क्यों ना इस प्लान को ही खत्म कर दे। हा? अरे तुम दोनों ऑफिशियली नागिन और नागरानियों के हथियारे हो ना, तो क्यों ना इस पे भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लो। खबरदार, मेरी नागरानी से दूर रहना। Kill her. इसे पटकने। रुक जाओ बहू। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी प्लान बी है जो अब हमारे लिए नागमणि को जागृत करेगा। अलेक, तो
देखो श्रावणी, आ गया वो जो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। बार बार हमसे अपनी महानागरानी के बारे में पूछ रही थी ना तुम, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने खास माँ सपेरा बुलवाया है। तुम्हें पिछले जन्म में तुम्हारा प्यार याद तो होगा ना, वो शानवास सपेरा जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, उसका भी गुरु है ये। बाहर सपेरा, तुम जहरीले नागिनों ने शिष्य मारा है मेरा। इस बात की पीन से ऐसा नाच नचाऊंगा, नाग लोग जराव देगा। उसमें कोई शक नहीं है, मरना तो इसे पड़ेगा ही, पर उससे पहले इसे किसी के आखिरी दर्शन तो करा दे। ये देखो, देख लो इसे आखिरी बार। मैंने सुना है तुम नागिने जो भी देखती हो उसकी तस्वीर अपनी आंखों में खींच लेती हो, तो लो इसकी भी तस्वीर अपनी आंखों में खींच लो आखिरी बार। हाँ नागरानी, इसे हमारी तरफ से इस जन्म में लौट के आने का रिटर्न गिफ्ट समझ के रख लो। Get it? लो जाके ले लो बांस। लो ना। ले लो ले लो। अरे ससुर जी दे दो यार प्लीज। दे देता हूँ। हाँ दे दो। हाँ ले। कोई बात नहीं, पिछले जन्म में नहीं इस जन्म में भी, पर किसी ना किसी जन्म हम जरूर साथ होंगे।
हाँ, मैं एक नागरानी के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए नहीं देख सकती। तो शिवांगी लौट आई हो तो? मुझे तो लगा था हमारे हाथों मिली मौत से वाकई मर गई हो तो। नहीं नहीं नहीं, सदमे में थी वो, अब जाकर लौट के आई है। क्यों, बदला लेने आई हो? मैंने कहा ना, मैं बदला लेने नहीं, इसकी रक्षा करने आई। क्या बात है, वाकई न्याय की मूर्ति हो आ तुम। अपनी नागरानी पे हुआ अत्याचार देख नहीं पाई और उसे बचाने के लिए आ गई, पर काफी बेवकूफ भी हो। देखो ना, उसे बचाने आई और खुद ही फंस गई। सुमित्रा प्लीज आगे मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे, बहुत डर। अरे वे एक बात बताओ, इसे महानागरानी और इसे नागरानी किसने बना दिया? ये सब नाम देने से पहले लोग सोचते नहीं क्या? Exactly. तुम्हें क्या लगता है इस नागरानी का हाल हमने ये सब करने के लिए किया है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसे तो हम कभी भी कहीं भी मार सकते थे, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होता? हम तो यही चाहते थे ना कि इसका ये हाल देखकर तुम यहाँ जाओ और आते हमारे जाल में फंस जाओ, और देखो तुमने वैसा ही किया। और मेरी बेटी लौट आई। आई मिस यू सो मच शिवांगी। क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों धोखे से हमला किया मुझ पर? पापा, आपने तो मुझे जन्म दिया था, मुझे जिंदगी दी थी, और फिर मुझे मौत दे दी। रॉकी, तुमने तो मुझसे प्यार करने का, जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? शिवांगी, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छिपा हुआ है। तुमने यही कहा था ना, डैड ऋतिक ने तुम्हें क्यों मारा? भाई मेरा मानना है कि जो जन्म देता है वो मार भी सकता है। He's got all the rights, यार। और नहीं तो क्या? पूछो अपने भोलेनाथ से, वो भी तो यही करते आ रहे हैं। और तुम्हारा दूसरा सवाल यही ना कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? भाई जब प्यार था ही नहीं तो धोखा किस बात का? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, वो तुम्हारी गलत फहमी थी। तुम्हारा क्यों साथ छोड़ देते? अरे यार कितना इमोशनल हो रही हो, ऐसे कैसे छोड़ देते भाई, दामाद जी जो बन गए थे। और डोली में लाए थे, अर्थी में भेज दिए। कंट्रोल महानागरानी, कंट्रोल। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बस मेरा एक काम करो, इस नागमणि को श्राप मुक्त करो, और उसके बाद इन दोनों का जो करना है करो, सवाल पूछो या मार। आरन केयर, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो शिवांगी, तुम इन दोनों के साथ क्या करती हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। बस एक बार इस नागमणि पे अपना हाथ रख दो, फिर देखो हम तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं इस नागमणि को हाथ नहीं लगाऊंगी। सोच लो, दोबारा मारी जाओगी तुम, और इस बार भी अपने पति और बाप के हाथों ही। क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम लोग इस तरह से खिल्ली उड़ा के हम पे काबू पा के ये लड़ाई जीत जाओगे? महानागरानी है वो, तुम दोनों के मिलके मारने से भी वो नहीं मरी, तुम्हारे सामने खड़ी। मुझे लगता है ये सब इतना आसान है, तुम हुक्म दोगे और ये इस नागमणि को श्राप मुक्त कर देगी। ये सब ऐसे हो जाएगा इतनी जल्दी इतनी आसानी से, कभी नहीं। देखो यहाँ पे हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। शिवांगी एक आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, इस नागमणि पे तुम हाथ रखोगी या नहीं? जब तक नागमणि तुम लोगों के हाथ में है मैं उसे नहीं छूंगी। चलो तो जब बात कुछ भी करने की आई है तो कुछ करके ही जाते हैं। वैसे भी तुम लड़कियों से मैं बहुत ज्यादा बोर हूँ। एक काम करते, ये बोरिंग ड्रामेबाजी फिलहाल के लिए छोड़ देते, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। I'm not too good. Shivangi, tumhari wajah se. Thank you so much. Sab log milkar bolo, Rocky.
रॉकी की जय, रॉकी की जय, रॉकी की रॉकी। क्या किया तुमने? नहीं, कोशिश भी मत करना। देख, लालच से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ लानत ही मिलती है। हारोगे तुम लोग। तुम गिनती में जितने भी हो ना, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। नागमणि मेरे शिवजी की निशानी है, मैं इसे तुम पापियों के हाथ नहीं लगने दूंगी। नहीं बेटा, बेटा प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत पाप किया है मैंने, लेकिन प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। वो तो तुम्हारा बाप ही ना, बचपन में जब भी तुमने गलतियां की मैंने तुम्हें माफ किया है ना, तो क्या आज तुम अपने बाप को माफ नहीं करोगे? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बस तुम्हारी माफी चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर छू लेता। आंसू असली है? जो बाप अपनी बेटी को मारते वक्त नहीं रोया वो अब रोएगा? कितनी बड़ी बेवकूफ हो, दूसरी बार बेवकूफ बनाया मैंने तुम्हें। और अब नागमणि वापस हमारे हाथ आ गई है। Kill them now. ये काम होगा लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ा और जीने देते हैं, थोड़ा और एंटरटेनमेंट करवाते हैं। एक काम करो, फिलहाल इन लोगों को तहखाने में डाल दो और उसके बाद एक तारीख निकाली जाएगी और फिर फांसी। एब्सोल्युटली राइट। तो उठाओ हमारी दोनों महानागरानी और नागरानी को और ले जाओ।
तुम भी सोच रही होगी ना कि कैसी पागल हूं मैं जो इन लोगों की बातों में दोबारा आ गई। मेरे पिता ने दो बातें मुझसे प्यार से कही और मैं इसे पागल होना नहीं इमोशनल होना कहते। ये दिल की बातें हैं, दिमाग से चलने वाले लोग नहीं समझेंगे और ये तो दिमाग से खेलने वाले लोग। इनसे और किसी चीज की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, इनसे धोखे की उम्मीद की जा सकती है जिसमें वो कभी निराश नहीं करें। अब लग रहा है कि मैं एक नागरानी से बात कर रही हूँ और मैं एक महानागरानी से नहीं, मैं तो बस एक श्रापित रानी हूँ। ताकि हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। क्या करूं इस नागमणि का, हार में सजाऊं या मांग टीका बनाऊं? ओए छम्मक छल्लो, ये नागमणि तुम्हारी नहीं है। Exactly, it's mine. ओए तुम इसमें कहाँ से आए हो, ये हमारा है। तुम्हारा कब से हो गया, ये मेरा है। Excuse me. ओ shut up. ओ please, ये मत बोलो कि हम ही लेकर आए थे उन्हें यहाँ। तुम मुफ्त में नहीं किए, पैसे दे रहे हो उसके। और इस मदद की पूरी कीमत दी जाएगी तुम्हें, don't worry. लेकिन हमसे थोड़ा कम। कोई बताएगा कि मारना कब है? किसे? चंगू मंगू को। Excuse me, what the hell? मैं नागरानी और महानागरानी की बात कर रहा हूँ। देखो, उन्हें कमजोर समझने की भूल मत करना। वो दोनों नागिने बहुत शक्तिशाली हैं। अरे, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे हमें पता ही नहीं। ओए बांसुरी वाले। बीन। अरे जो कुछ भी हो, हमें बताने की जरूरत नहीं कि वो कितने शक्तिशाली है। चिल। और नहीं तो क्या? हम ही ने तो मारा था उस महानागरानी को। आपसे एक बात पूछूं। आप क्यों लौटी हैं वापस?